वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, यह है भारतीय डाक की। GDS के बारे में तो आप जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, तो आप जो है उसी के अंडर पोस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर किस किस स्टेट में यह वैकेंसी निकली है अभी हम डिस्कस करेंगे। पूरा क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, फॉर्म आपको खुद फिल करना है, कैसे फिल करना है आप जो है YouTube पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट चैनल ने बहुत ही सही तरीके से अपलोड कर रखी है। तो मैं पहले सबसे आपको जो है यहाँ पर स्टेट बता देता हूँ। देखो भाई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इसको ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं इसको अप्लाई करने की। यहाँ पर लड़की के लिए, SC के लिए, ST के लिए कोई भी फी का क्राइटेरिया नहीं रहता। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं और जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको फ़ी पे करने पड़ती है 100 रुपये। और फी का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि जिस स्टेट में वैकेंसी निकलती है उस स्टेट में जाकर आपको जो है रिलीवेंट पोस्ट ऑफिस में वहाँ से एक नंबर लेना पड़ता है, रेफरेंस नंबर। फ़ी कटवाने के बाद वो रेफरेंस नंबर डाल के आप फॉर्म को जो है कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, अभी मैं आपको SC ST OBC के अकॉर्डिंग वैकेंसीज बता दूंगा, लेकिन पहले ये सुन लो, इसमें जो एज का क्राइटेरिया है 18 से 40 साल का इन्होंने रखा हुआ है। 6 तारीख को इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था। दिल्ली में 174 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 757 वैकेंसी है, झारखंड में 804 वैकेंसी है। अगर आप इनमें से किसी भी जहां पर वैकेंसी निकली है, इन्हें छोड़ देना नीचे वालों को, दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन आ जाएगा, झारखंड पे क्लिक करेंगे तो झारखंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर जो SC बच्चे हैं, ST बच्चे हैं और जो लड़कियाँ हैं, वो इसका फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि इनके लिए यहाँ पर कोई भी फी का क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। और भाई, ये जो नौकरी है इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, ओनली होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपकी 10th में अच्छी परसेंटेज है, मींस आपके 80 के आसपास या फिर 80 से ऊपर या फिर 90 के आसपास परसेंटेज है, तो आप जो इसका फॉर्म जरूर फिल करें। और जिनकी 60 है, 65 है, 70 है, उनको इसका फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि GDS के बारे में मैं 7 साल से जानता हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है कि GDS में 70 से नीचे परसेंटेज वालों को हायर नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो वैकेंसी है सिर्फ परसेंटेज के बेस पे इसमें जो है सिलेक्शन होता है, आपकी 10वीं की परसेंटेज को देखा जाता है। यहाँ पर कौन बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है, यहाँ पर सिंपल आपको 10वीं पास चाहिए और एक 10वीं पास के साथ 60 दिन का एक सर्टिफिकेट रखते हैं कंप्यूटर का, उसके बारे में मैं अभी जो है डिस्कस करूँगा नोटिफिकेशन में। तो पहले मैं आपको दिल्ली का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करके, लेकिन उससे पहले वैकेंसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, सबसे पहले पोस्ट नेम की बात करते हैं। तो भाई, ग्रामीण डाक सेवक में आपकी BPM, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है अभी हम जो है नोटिफिकेशन में देखेंगे। ABPM, ठीक है, फॉर दिल्ली और HP एंड झारखंड पोस्टल सर्कल। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है 1735 जो है टोटल वैकेंसी है, और दिल्ली के लिए 174 है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल SC ST OBC के लिए, PH के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश के लिए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 757 वैकेंसी है, जिसमें SC ST OBC जनरल के लिए आप देख सकते हैं। झारखंड में 804 है, आई थिंक झारखंड में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में सबसे कम है। यहाँ पर जनरल के लिए, ST के लिए, SC के लिए और आप PH के लिए देख सकते हैं, OBC के लिए देख सकते हैं, EWS के लिए देख सकते हैं। अब मैं आपको दिल्ली का नोटिफिकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, बाकी जो डिफरेंट स्टेट के हैं प्लीज़ आप उन्हें ओपन करके देख लेना। मैं एक आपको समझा दूंगा तो आपको दूसरा ईजिली समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर, मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो भाई, ये दिल्ली का नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल, मैंने आपको ब्रांच पोस्टमास्टर यानी BPM की फुल फॉर्म के बारे में बोला था, तो ये फुल फॉर्म इसकी ब्रांच पोस्टमास्टर है। आप लोगों का काम क्या होगा यहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, इसकी आप देख सकते हैं प्रोफाइल, मीन्स आपका काम क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर डाक सेवक की वैकेंसी है, इसका काम क्या होगा यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे हम बढ़ते हैं, नीचे जो है इन्होंने सैलरी का कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है कि कितना पे आउट आपको दिया जाएगा।
तो आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो। फॉर्म 6/6/2019 से चालू हो चुका है, आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, लिंक आपको दिखा दूंगा और आपको इंटरव्यूज पे भी लेके चले जाऊंगा। एज मैंने आपको बता दी है, 18 से 40 साल एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। नीचे हम बढ़ते हैं, SC ST को एज जो उनकी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसकी बात मैं कर रहा था, तो यहाँ पर आपको 10वीं पास होना है, 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर जो है आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कहीं से भी आपने लिया हो तो वो चल जाएगा। अगर आपने जो है 11वीं में कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, या फिर 60 दिन का कहीं ना कहीं से कंप्यूटर के सर्टिफिकेट का आप अरेंजमेंट कर पाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है। और भाई जिस स्टेट में वैकेंसी निकली है उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आने चाहिए। तो दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की आप देख सकते हैं, दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आपको जो है आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपकी अच्छी परसेंटेज है तो मौका मत छोड़ना। बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मुझे बताना, एक सेपरेटली वीडियो आपको मिल जाएगी। और ITI वाले बच्चे चिंता मत करें, आपके लिए आपको पता है DIDO के फॉर्म की वीडियो आज पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज अपलोड कर सकूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। बस फॉर्म फिल ही करने वाला हूं मैं और आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं फॉर्म दे दूंगा और आप फॉर्म को फिल कर लेना जिन्होंने नहीं फिल किया है। और यहाँ पर जो लोकेशन, साइज, अप्रोच, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पावर सप्लाई, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इन्हें आप देखेंगे तो आपको और नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, सो ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। और भाई देखो, GDS की अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट स्टार्टिंग में डिपॉजिट करना पड़ता है, वो डिपार्टमेंट आपको जो है बाद में रिटर्न कर देता है, उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो है कुछ इन्होंने जो है कैटेगरीज दे रखी है डिसेबिलिटी को लेकर, तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। उसके नीचे जो है कुछ और चीज़ें, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखती है तो मैं बताता हूँ। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फिल आप कर सकते हैं और आई थिंक इसके लिए आपको एक महीने का समय दिया जा रहा है, तो केयरफुली आप फॉर्म को फिल करना, 5-7 तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अराउंड एक महीना ही दिया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो है यहाँ पर चाहिए, और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखना ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है साइज दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स के जो आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टर सर्कल्स हैं, ये कुछ इनके हेल्पलाइन नंबर है, इन पर जाकर आप कॉन्टैक्ट या फिर मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ़ी के लिए जाना है वो रिलीवेंट आप जो है अकॉर्डिंगली पोस्ट ऑफिस में जाके देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको दिख जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर, एक एक चीज़ इन्होंने नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से समझा रखी है, और वैकेंसी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने डिवाइड की है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब मैं आपको डायरेक्टली जो है फॉर्म पर लेकर चलता हूँ। तो ये जो है इनके फॉर्म का लिंक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा क्राइटेरिया समझ आ जाएगा। इन्होंने जो है आई थिंक पूरा क्राइटेरिया समझा रखा है, अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है लोगों ने, आप वहाँ से जाके फॉर्म को फिल कर लेना। और मैं ITI वाले बच्चों को रिकमेंड करूँगा, अगर वो सिंपल 10वीं पास हैं तो वो फॉर्म को फिल कर दें। अगर आपका अभी ITI कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को फिल कर दें। आपकी अगर अच्छी परसेंटेज है, 85 है, 80 है, 90 के आसपास है, तो मौका मत छोड़ना। अदर स्टेट से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं या फिर OBC है, तो आपको फ़ी पे करने पड़ेगी, वो भी रिलीवेंट स्टेट में जाकर। बाकी हिमाचल प्रदेश और झारखंड का नोटिफिकेशन एक बार आप ओपन करके देख लेना, अगर कोई डाउट आता है तो मैं उस स्टेट की भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पर सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोस आप टाइम पर पा सकते हैं। DIDO के फॉर्म की वीडियो का आप थोड़ा सा वेट करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं।